हाय गाइस, मैं शांत सर, वेलकम टू कोड इन 10। तो यार आज की वीडियो में हम बात करने वाले रिकर्जन के बारे में। अब रिकर्जन जो है तुम्हारा यार बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर तुम रिकर्जन अच्छे से कर लेते हो ना, तुम्हारा बैक ट्रैकिंग, ग्राफ, बीपी, लिंगुअल हिस्ट्रीज सब बहुत ज्यादा सॉल्ट हो जाता है। तुम प्रॉब्लम्स को स्मॉलर पार्ट्स में ब्रेक करना सीख जाओगे, एंड जब तुम स्मॉलर पार्ट में ब्रेक करना सीख जाओगे तो तुम्हारा जो सारी मुसीबत है ना, सब कुछ आसान हो जाएगी। एंड हर क्वेश्चन में तुम कहीं ना कहीं रिकर्जन को यूज कर सकते हो, तुम्हारी काफी 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 ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। अब बिना टाइम वेस्ट करे सबसे पहले चीज पे आ जाते हैं, रिकर्जन एक्जैक्टली होता क्या है। तो यार बुकिश लैंग्वेज अगर हम समझे ना, तो रिकर्जन इज फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ। ठीक है, अब वो कहीं पे भी किसी भी लाइन में किसी भी तरीके से अगर खुद को कॉल कर रहा है फंक्शन, तो उसको हम रिकर्जन बोलते हैं। तो अगर हम इसको लिखें तो एफ इज अ फंक्शन, एंड कहीं पे भी कुछ भी हमने काम किया एंड एंड में यहाँ पे हमने कुछ यहाँ पे फंक्शन को कॉल करा एफ को फिर से, तो दिस इज कॉल्ड रिकर्जन। अब अगर तुम समझो एग्जैक्टली इसमें होता गया, तो रिकर्जन क्या करता है यार, हम रिकर्जन में ना बड़ी प्रॉब्लम को छोटी प्रॉब्लम में तोड़ते हैं, एंड छोटी प्रॉब्लम को वो रिकर्जन को ही बोल देते हैं कि भाई तू उसका सॉल्यूशन मेरे को ला के दे दे, ठीक है, मैं इसमें अपना वाला काम कर दूंगा और मेरा काम खत्म हो जाएगा, इसके बाद हम वापस फाइनल रिजल्ट को रिटर्न कर देंगे। सिंपल सिंपल हम यही सोचते हैं, इसको कहते हैं रिकर्जन लीप ऑफ फेथ। अब कि तुमने बोल दिया रिकर्जन को कि भाई तू अपना काम करके ले आ, ठीक है, मैं अपने वाले में ऐड कर दूंगा जो मेरा काम है छोटा मोटा, एंड फाइनल हम अपना आउटपुट दे देंगे। तो अब इसका एक एग्जांपल लेते हैं। तो हमें एक क्वेश्चन दिया है कि यार मैं 1 to 10 या फिर 1 to n तुम्हें एक सम लाके देना है हमें, ठीक है, सिंपल है, कुछ नहीं, तुम्हें 1 to n तक का ना सम लाना है। तो हम क्या करेंगे यार, जनरली हम क्या करेंगे, 1 + 2 + 3 + 4 + n तक हम जाएंगे और उसका सम लेके आएंगे, राइट। तो एग्जैक्टली हो क्या रहा है, तुम ये समझो कि 1 to n-1 यहाँ पे हम लिख लेते हैं समझने के लिए, ठीक है, n-1 प्लस हो रहा है। तो ये क्या कह रहा है कि यार 1 to n-1 का अगर हमारे पास आंसर हो, उसमें अगर हम n ऐड कर देंगे तो हमें जो आउटपुट चाहिए वो मिल जाएगा, राइट, तो हमारा सॉल्यूशन बन जाएगा। तो हम इसको अगर लिखना चाहें तो इसे क्या कह सकते हैं, फंक्शन ऑफ n-1 + n, राइट। सिमिलरली अगर हमें n-1 का अगर निकालना होगा तो क्या करेंगे, 1 + 2 + 3 + n-2 + n-1 जाएंगे। अब ये वाली जो चीज आ गई वो तुम्हारी फिर से फंक्शन ऑफ n-2 हो गई, प्लस ये तुम्हारा n-1 हो गया। सिमिलरली हम इसको ऐसे और अपना आगे बढ़ा सकते हैं, एंड ऐसे ऐसे करके ये तुम्हारे पूरा सम लाके दे देगा। अब यहाँ पे मैं एग्जैक्टली करके आ रहा यार, 1 to n का हमें सम चाहिए था, हमने क्या इसको ब्रेक डाउन करा कि 1 to अगर हमें n-1 का कोई सम ला के दे दे, अगर उसमें हम n प्लस कर देंगे तो हमारा आउटपुट आ जाएगा, राइट। अगर इसको हम कोड करना चाहेंगे तो उसका क्या होगा कि हम बोलेंगे यार int हमारा एक सम, ठीक है, 2n। अब यहाँ पे हमारे पास एक इंटीजर हमें मिल रहा है n, तो मुझे क्या बोल रहा है, यहाँ पे हम रिटर्न कर देंगे सीधा तुम्हारा सम 2n, यहाँ पे n-1 + n, राइट, कि तुम ये वाला मेरे को लाके दे दो और फिर मैं इसमें ऐड कर दूंगा n, तो हमारा सॉल्यूशन बन जाएगा। अगर हम इसे रन करके देखते हैं एग्जैक्टली हो क्या रहा है, कि हमें n मिला 5, ठीक है, अगर 5n मिला तो हमने फंक्शन में पास किया 5, इसने बोला कि यार मैं यहाँ पे 5 को ऐड कर देता हूँ, तो मेरे को f ऑफ 4 का लाके दे दे, ठीक है, ये नीचे गया, इसने बोला 4 + f(3) का लाके दे दे, ठीक है, फिर ये फिर से नीचे गया, इसने बोला मैं 3 दे देता हूँ + f(2) का लाके दे दे, ये फिर से नीचे गया, इसने बोला यहाँ पे 2 + f(1) का लाके दे दे, फिर से नीचे गया 1 + f(0) का लाके दे दे, अब ये फिर से बोलेगा कि यहाँ पे 0 + f(-1) का लाके दे दे, अब ये फिर से जाएगा नीचे, ये बोलेगा -1 + f(-2) का लाके दे दे। बट यार हमें तो यहीं पर रुक जाना चाहिए था ना, कि यार 0 हो गया, हमें तो बस 1 तक का सम चाहिए, और 1 का सम आते ही हम वापस चले जाना चाहिए था, बट हम तो आगे बढ़े ही जा रहे हैं। अब हम आगे बढ़े क्यों जा रहे हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे एक चीज मिस कर दी रिकर्जन में, जो मैं तुम्हें इस एग्जांपल के थ्रू बताना चाहता था कि हर रिकर्जन फॉर्मूला में, हर रिकर्जन केस में एक बेस केस होता है। अब रिकर्जन के 3 कंपोनेंट्स होते हैं, एक तुम्हारा होता है बेस केस, सेकंड तुम्हारा होता है स्मॉल कैलकुलेशन, ठीक है, और थर्ड तुम्हारा होता है रिकर्जिव फॉर्मूला। ये दोनों चीजें होते हैं ना इंटरचेंजेबल होते हैं, कई बार हम स्मॉल कैलकुलेशन पहले कर देते हैं, कई बार हम स्मॉल कैलकुलेशन बाद में करते हैं। तो फॉर एग्जांपल इस केस में अब हमारी बेस कंडीशन एग्जैक्टली क्या होनी चाहिए, हमें जब रुकना जाना चाहिए जब हम 1 पे पहुंच जाए, एंड हमें पता है कि 1 का सम 1 ही होगा, राइट, ठीक है। हम इसको अब कोड करके देखते हैं तो हमें एग्जैक्टली पता चल गया कि बेस केस हमें यहाँ पे लगाना है, तो हमने क्या करा, इंट सम, यहाँ पे इंट हमारा एन, ठीक है,
अब हमारा बेस केस क्या था, इफ तुम्हारा n इज डबल इक्वल्स टू 1, मतलब n अगर 1 आ जाता है तो हम क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे 1, क्योंकि हमें पता है 1 का सम विद, मतलब 1 का सम 1 ही होता है, राइट। उसके बाद हमें क्या चाहिए होगा यार, एक हमें रिकर्सिव कॉल करनी है, ठीक है, रिकर्सिव कॉल से हमारे पास कुछ आंसर आएगा फॉर n माइनस 1। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सम को कॉल करेंगे विद n माइनस 1 की वैल्यू, ठीक है। अब ये हमें कुछ वैल्यू दे देगा, उसके बाद हम अपनी करेंगे स्मॉल कैलकुलेशन। स्मॉल कैलकुलेशन में हम क्या करेंगे, n प्लस ये वाली रिकर्सिव कॉल को यहाँ डाल देंगे, मतलब जो आउटपुट आएगा उसके सम को हम यहाँ डाल देंगे, तो हमारे पास एक हमारा फाइनल स्मॉल कैलकुलेशन से आंसर आ जाएगा, ठीक है, उसको हम यहाँ पे हम रिटर्न कर देंगे। वेरिएबल नेम तुम कुछ भी ले सकते हो, इसको फाइनल आउटपुट ले सकते हो, इसको लाइक इंटरमीडिएटरी आउटपुट या कुछ भी ले सकते हो, जो तुम्हें समझ आए, बट इससे मैंने जस्ट हमें समझ आ जाएगी कि ये वाला जो पार्ट है हमारा बेस केस हो गया, ये वाला पार्ट हमारा रिकर्सिव कॉल हो गया, एंड ये हमारा पार्ट हो गया स्मॉल कैलकुलेशन। तो हमारे रिकर्जन में यही तीन मेन कंपोनेंट्स होते हैं, इन्हीं तीन मेन कंपोनेंट से हमें अपने सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। सबसे इंपॉर्टेंट जो इसमें पार्ट होता है वो तुम्हारे दो, मतलब सारे इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, बट सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो रिकर्जिव कॉल समझना, कि हमें रिकर्जन में एग्जैक्टली पास क्या करना है, रिकर्जन बनाना क्या है। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट पार्ट होता है तुम्हारा बेस केस सोचना, कि अगर तुमने बेस केस सोच लिया कि यार यहाँ पे चीज टर्मिनेट हो जानी चाहिए एंड ये वाली रिकर्जन हमें कॉल करनी है, तो तुम्हारे मोस्टली क्वेश्चन सारे सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे हम एक छोटा सा इजी सी प्रॉब्लम कर लेते हैं, ठीक है, फैक्टोरियल वाली। अब फैक्टोरियल में पहले मैं तुम्हें समझा देता हूँ कि क्या सीन होता है। तो फैक्टोरियल में जैसे तुम यहाँ पे समझ लो कि हमें n एक दिया है, तो हमें क्या करना होता है, n में सेम वही फंक्शन जो हमने अभी सम वाला करा है फैक्टोरियल में, बस मल्टीप्लाई करना होता है, सेम टू सेम बिल्कुल एग्जैक्टली सेम काम करना है, बस मल्टीप्लीकेशन में करना है। ये तुम क्या करेंगे, हम यहाँ पे अपना कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। तो हमें पता है बेस केस क्या हो गया, इफ n इज डबल इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पे थोड़ी सी एक चीज और इंपॉर्टेंट होती है कि जब तुम फैक्टोरियल निकालते हो ना, तो जीरो का फैक्टोरियल इज ऑल्सो 1, क्योंकि जीरो को परम्यूट करने के बस एक ही तरीका होता है, तो हम इसमें और लगा देते हैं, n इज डबल इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये करने के बाद हम क्या करेंगे, आप सीधा रिटर्न कर देंगे अपना 1, कि इसका आउटपुट 1 है। उसके बाद हम अपनी करेंगे int स्मॉल कैलकुलेशन, उसके बाद यहाँ अपना हम रिकर्सिव रिजल्ट मंगा लेंगे, रिकर्सिव रिजल्ट, ठीक है, इज इक्वल्स टू तुम्हारा फैक्टोरियल में हमने पास करना है n माइनस 1, एंड इसके बाद हम करेंगे इंट रिजल्ट, जो हमारी स्मॉल कैलकुलेशन होगी उसमें क्या करेंगे, इन तुम्हारा इनटू रिकर्सिव रिजल्ट, और उसको बस हम रिटर्न कर देंगे, ठीक है। अब हम ट्राई करके देखते हैं कंपाइल एंड रन करने का। तो देखो एक्सपेक्टेड आउटपुट और ये आउटपुट हमारा सेम है, क्योंकि हमने 5 पास किया ही आया। अब इसको हम एक बारी गो थ्रू करते हैं और तुम्हें दिखाते हैं कि एग्जैक्टली हुआ कैसे ये। तो ये हमारा जो हमने अभी कोड लिखा है वो है, इस कोड में एग्जैक्टली हुआ क्या हम वो समझते हैं, ठीक है। ये वाला जो हमारा है ये हमारी बेस केस है, ठीक है, ये हम समझ गए। ये जो हमारा रिकर्सिव कॉल थी एंड ये हमारा फाइनल स्मॉल कैलकुलेशन, एंड ये हमने अपना आंसर को रिटर्न कर दिया। अब इसको समझते हैं एक एग्जांपल के साथ, कि हमने 6 लिया तो ये रन कैसे कर रहा है, ठीक है। हमारे पास 6 आया, 6 ने बोला यार ये 6 आया, 6 ने चेक किया इफ 6 इज डबल इक्वल्स टू 1 और 6 इज डबल इक्वल्स टू 0, नो, तो हम इफ में नहीं गए, इफ से बाहर आ गए। फिर हमने रिकर्सिव कॉल मारी, फैक्टोरियल पे गए, फैक्टोरियल में 6 माइनस 1 होता है तुम्हारा 5, तो 5 पे और 5 पे हमने फिर से कॉल कर दिया, राइट, 5 ने कॉल कर दिया रिकर्जन, फिर यहां से यहां पे पहुंच गया विद n माइनस 1, ठीक है, n माइनस 1 5 था, 5 ने फिर चेक करा, 5 इज इक्वल इक्वल्स टू 1 नहीं है, 0 नहीं है, फिर से यहां पे आया, यहां पे इसने फिर से इसको 5 माइनस 1 को 4 कर दिया, और 4 से फिर से कॉल यहां पे चली गई हमारी, यहां पे 4 पे कॉल हो गई। सिमिलरली फिर से कॉल चली गई 3 पे, फिर ये चली गई तुम्हारी 2 पे, फिर चली गई तुम्हारी 1 पे। अब 1 पे आने के बाद क्या हुआ, थोड़ा डिफरेंट हुआ, इसने चेक करा n इज इक्वल इक्वल्स टू 1, हाँ यार n 1 है, तो 1 ने अपनी वैल्यू को यहाँ पर रिटर्न कर दिया, ठीक है, तुम्हारी जो रिकर्सिव रिजल्ट आया, ठीक है, इस वाली कॉल का, वो यहाँ पे में 1 आ गया, हमारा 1 आ गया, ठीक है। अब हमने स्मॉल कैलकुलेशन में क्या किया हुआ है, n इंटू दिस कर दिया है, तो अगर हमने 2 इंटू 1 किया तो ये तुम्हारा 2 ही हो गया, 2 को हमने फिर से यहाँ पे रिजल्ट को पास करा, तुम्हारी यहाँ पे रिकर्सिव कॉल का रिजल्ट 2 आ गया। अब यहाँ पे हम फिर से 2 इंटू 3 करेंगे, हमारा 6 आ जाएगा, हम यहाँ पे 6 पास किया, 6 इंटू 4 करेंगे तुम्हारा 24 आ जाएगा, 24 इंटू 6 करेंगे 120 आ जाएगा, अब 120 इंटू 6 करेंगे तो 720 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारा जो रिजल्ट था 6 फैक्टोरियल का, वो तुम्हारा 720 होता है, एंड हमारा यहाँ पे 720 आ गया। इसका जो कोड वगैरह होगा तुम्हें गिटहब पे मिल जाएगा। इसके अलावा अगर तुम्हारे कुछ डाउट्स वगैरह हो तुम नीचे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, कोई चीज तुम्हें समझ आई हो ना आई हो सब तुम बता सकते हो। हम नेक्स्ट वाली वीडियो में थोड़ा इससे एक स्टेप ऊपर वाला क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। हमने इसमें हल्का हल्का रिकर्सिव
ट्री के बारे में बात किया है, उसमें जब वो मल्टीपल नोड्स निकलेंगे उसमें, तो उसके बारे में बात करने वाले हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।